वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। दोस्तों रेजर ने लॉन्च कर दिया अपना नया ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स जिसका नाम है रेजर हैमरहेड ट्रूली वायरलेस बड्स, जिसके बारे में आप लोगों को मैं वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है और साथ ही में गेमिंग मोड है जो कि लेटेंसी कम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है इस ईयरबड्स में जिसके बारे में आप लोगों को मैं वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा और साथ ही में इसके प्राइस भी बताऊंगा और कब आप बाई कर सकते हो वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वीडियो पर एंड तक देखते ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो मेरा नाम रवि शंकर और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ईयरबड्स के स्पेक्स के बारे में, और बात करें सबसे पहले टेक्निकल स्पेक्स की जो कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं 10mm का ड्राइवर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आप लोगों को 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 20,000 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल जो भी ह्यूमन बींग होते हैं इसका ह्यूमन बींग का जो हियरिंग रेंज होता है इन्हीं के बीच रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल मैक्सिमम रेंज देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में, जो कि मेन फैक्टर रहता है कोई भी अगर लोग ईयरबड्स बाई कर रहे तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये THX सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है दोस्तों ये बेस्ट ऑडियो क्वालिटी डिलीवर करता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद करेगी खरीदने के टाइम में। और दोस्तों बात करें इसमें आप लोगों को ऑब्वियसली बात है आप ईयरबड्स ले रहे हो तो कॉल वगैरह भी अटेंड करोगे ही, तो उसके लिए दोस्तों इसमें आप लोगों को मिल जाता है डुअल स्पीकर डुअल माइक्रोफोन, मतलब दोनों बड्स में माइक्रोफोन लगा रहेगा, जो कि एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, जिसका मतलब आप किधर भी हो आप लोगों को मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो आप लोगों का वॉइस इधर तक सुन पाएगा। और दोस्तों बात करें इसमें आप लोगों को मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0, जिसकी मदद से जो कनेक्शन होने वाला है वो बिल्कुल बहुत ही सीमलेस होने वाला है। और दोस्तों बात करें इसके नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे मेन फीचर थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसमें आप लोगों को मिल जाता है गेमिंग मोड, जिसका एक ही बटन है, उसको आप दबाते ही आप टैप करोगे, गेस्चर है, उसके बाद दोस्तों गेमिंग मोड एनेबल हो जाएगा। और गेमिंग मोड एनेबल होने के बाद दोस्तों इसमें लेटेंसी कम हो जाती है, और वो कम होकर 60 ms हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। उसके बाद आप कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हो तो बिल्कुल भी आप लोगों को लेटेंसी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट स्पेशल फीचर है इस ईयरबड्स की, वो है दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि दोस्तों बाहर के जितने भी नॉइस है उसको ये रिकॉर्ड करके कैंसिल कर देता है, और आप लोगों को मतलब बेसिकली इन्वर्ट कर देता है उस फ्रीक्वेंसीज को। ये टेक्निकल टर्म्स है, आप लोगों को शायद ना समझ में आए, पर बेसिकली जो भी बाहर का साउंड रहता है वो आप लोगों को अंदर सुनाई नहीं देगा, आप एक बार ईयरबड्स लगा लो। पर दोस्तों इसमें आप लोगों को एक स्पेशल फीचर है इसी नॉइस कैंसिलेशन का, जो है दोस्तों क्विक अटेंशन मोड, जिसका बेसिकली मतलब तो ये है कि दोस्तों आप लोग अगर आईफोन के एप्पल के एयरपॉड्स यूज़ किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा उसमें एक ट्रांसपेरेंस मोड होता है, मतलब आप अगर ट्रांसपेरेंट मोड को एनेबल करोगे तो आप लोगों को म्यूज़िक तो सुनाई पड़ते ही रहेगा, साथ ही साथ में आप लोगों के सराउंडिंग में जो साउंड है वो भी आप लोगों को सुनाई पड़ेगा, और ये हेल्प करता है ऐसे कंडीशन में, मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो और साथ में आप लोगों को चाहिए कि आप ट्रैफिक के हॉर्न्स वगैरह सुन पाओ, ताकि कोई आप लोगों को पीछे से आके ठोक ना दे, ऑब्वियस बात है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए इसमें भी आप लोगों को मिल जाता है वही सेम फीचर, जो कि है दोस्तों क्विक अटेंशन मोड, जिसकी मदद से दोस्तों आप लोगों को म्यूज़िक तो सुनाई पड़ेगा ही, साथ ही में आउटर का जो भी साउंड है वो भी सुनाई पड़ेगा, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इस सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस ईयरबड्स की मदद से म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, स्मार्टफोन का गूगल असिस्टेंट एनेबल कर सकते हो, कॉल्स पिकअप कर सकते हो, बेसिकली सभी काम कर सकते हो जो कि एक ईयरफोन से किया जाता है। और दोस्तों बात करें इसके बैटरी लाइफ के बारे में,
तो बैटरी लाइफ इसका काइंड ऑफ एवरेज है, मतलब एवरेज से मेरा मतलब है जो भी जितने भी इस प्राइस रेंज में जितने भी ईयरबड्स मिलते हैं उसी के जैसे ही आप लोगों को बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को केस के साथ अगर यूज़ करो तो टोटल आप लोगों को 20 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आप लोगों को ये जो ईयरबड्स है इसका अपना फ़ोन का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बैटरी लाइफ वगैरह को बैटरी परसेंटेज वगैरह को ट्रैक कर सकते हो, और साथ में म्यूज़िक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, या साथ में इक्वलाइज वगैरह भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इसके वाटर प्रूफिंग या फिर स्वेट प्रूफिंग के बारे में, तो दोस्तों इसमें आप लोग को IPX4 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें चार्जिंग केबल लिए, तो इसमें आप लोगों को चार्जिंग केबल के लिए तो इसमें आप लोगों को USB-C का फीचर देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है माइक्रो USB नहीं देखने को मिल जाते हैं, वो ऑब्वियसली बात है पुराना भी हो गया, तो इसीलिए इसमें आप लोगों को USB-C का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको ऑन द बॉक्स आप लोगों को एक चार्जिंग केस देखने को मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और 6 पेयर ऑफ सिलिकॉन टिप्स ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाएंगे, और एक प्रीमियम फोम टिप्स वगैरह देखने को मिलेंगे अगर आप खरीदते हो तो इसे। तो दोस्तों अब प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे कि ये जो रेजर हैमर हेड वायरलेस बर्ड प्रो बर्ड्स ऑलरेडी हैं, जो कि अभी का प्राइस अगर आप देखोगे तो वो 10,000 rupees है। अगर आप चाहे तो वो बाई भी कर सकते हो, आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पर दोस्तों ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है इसलिए इसमें प्रो लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो प्रो का वर्जन रहेगा वो है दोस्तों 14,800 rupees अप्रॉक्सीमेट। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए इसका एग्जैक्ट प्राइस इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर कंट्रीज में लॉन्च हो गया है, तो इसका एग्जैक्ट प्राइस इंडिया में तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो पर जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो US का प्राइस है वो है दोस्तों $199, जिसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो वही 14,800 के अराउंड आता है, तो उसी प्राइस रेंज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा मोड़ा GST वगैरह लगेगा शायद, और उसके बाद आप लोगों को इसी प्राइस रेंज के देखने में मिल जाएगा। तो वेल दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।